तो दोस्तों, जो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड डायरीज़ में। तो उत्तराखंड डायरीज़ के एक नेक्स्ट एपिसोड कहें या एक नया पन्ना कहें, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप देहरा बुग्याल ट्रैक को के बारे में जानकारी दूंगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हम देहरा टॉप पर हैं, देहरा बुग्याल के टॉप पर हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ, एक बार देख सकते हैं पूरा सा शानदार सा नज़ारा है। तो मैं आपको क्रिप्स वे में बताऊंगा कि आप देहरा बुग्याल का ट्रैक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कहाँ है, कैसे है, क्या है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इंटरनेट पर तो काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो इसको मैं आपको, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुश्किल से 2 या 1.5 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं देहरादून, जो ये हमारा देहरा बुग्याल का जो ट्रैक है ये पड़ता है गढ़वाल में, गढ़वाल में बात करूँ तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे कि सेंटर पॉइंट हम कह रहे हैं कि देहरादून कह रहे हैं, तो देहरादून से आपके लिए उत्तरकाशी के लिए आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, अगर आप जैसी नॉर्मल आ रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या अगर अपनी अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो आप उससे अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रूट है, आप इजीली पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आपको उत्तरकाशी से रैथल आना होगा, और डिस्टेंस की बात करूँ तो देहरादून से रैथल 190 के आसपास है, 90 किलोमीटर के आसपास है डिस्टेंस। तो आप एक दिन में रैथल पहुंच जाओगे। अगर आप थोड़ा एंथुजियास्ट हैं, थोड़ा ये चाहते हैं कि आप सुबह देहरादून से स्टार्ट करते हैं और आप रैथल अगर 2 बजे तक ही पहुंचते हैं, तो रैथल में एक्चुअली क्या, आपको वन फॉरेस्ट का एक पास करता है जिसका रेट नॉर्मली पर पर्सन 300 से 400 के करीब है। और तो 400 रुपये के हिसाब से पास कटेगा। उसके बाद आपका जो बेस कैंप आता है गुई, मुश्किल से 4 किलोमीटर का, काफ़ी अच्छा ट्रैक है, तो आप उसको इजली कर लोगे। गुई से, गुई में भी आपको रहने की खाने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी। गुई के बाद फिर से 4 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो है आपका देहरा बुग्याल के लिए। तो ये है एक छोटा सा क्रिप्स में बताया, तो इससे इस ट्रैक से मुश्किल से 8 किलोमीटर का यह ट्रैक है, आप इजली पहुँच जाते हैं अपने इस काफ़ी खूबसूरत बुग्याल में। समर में आते हैं तो आपको एकदम ग्रीनरी दिखेगी मानसून सीजन में, और विंटर में आते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम सफ़ेद चादर की तरफ। तो एक बार फिर से मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पूरा चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, तो आप व्यू का आनंद लीजिए। और एक बार मैं माउंटेन पीक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो माउंटेन पीक यहाँ से दिख रही है, ये है आपकी बंदर पूँछ है। उसके बाद ये जो पूरी रेंज आ रही है गढ़वाल हिमालय की, तो इसमें जो ये है श्रीकंठ, श्रीकंठ है। उसके बाद ये है द्रौपदी का डांडा यहाँ पर है। तो ये एक पूरी रेंज दिखती है यहाँ से, काफ़ी अच्छा क्रिस्टल व्यू आ जाता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप ज़रूर शेयर करें। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कुछ भी एक्सरसाइज ट्रैक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो विदा चाहूँगा इस वीडियो से, तो विदा कीजिए हमें एक बार इस व्यू के साथ। बाय 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 बाय।